तेलंगाना वीकेंड न्यूज में आप तमाम का खैर मकदमे बढ़ते हैं। खबर की जानी वेलबी नगर पुलिस ने की कार्रवाई किया, गिरफ्तार एक गोल्ड चेन स्नैचर को जिसके कब्जे से 27 ग्राम की गोल्ड चेन के अलावा एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने किया जब्त, जिसकी मालियत 1,30,000 रुपये बताई गई है। इस सिलसिले में श्रीमती चित्तला बावम्मा ने एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी जो कि जीएचएमसी स्वीपर बताई गई है। इनके गले से एक शख्स चेन उड़ा कर ले गया जो कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आकर बताया गया। सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम गुड़ेम सुलैया बताया गया जो कि मुसाराम बाग मलकपेट का रिहायशी बताया गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्क रियासत मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दिक्कत न्यूज़। 36 ईयर्स का गोलम सुलैया सुदैया, ये जो है एक डिफरेंट डिलीवरी एप्स के लिए काम करता था और उसी की टी शर्ट पहन के उसने एक चेन खींच के फिर भागा। तो उस पर थोड़ा सीसीटीवी फुटेज देखे, थोड़ा कंप्लेनेंट से बात करके जो भी क्लूज आए तो क्लूज में हमें नंबर भी मालूम पड़ा, लेकिन वो नंबर प्लेट उसने फेक यूज की। तो इमीडिएटली उस पर पूरा क्लूज कलेक्ट करते हुए, एक से एक कनेक्ट करते हुए वो एक्यूज को पकड़ा गया। इसी तरीके से जवाहर नगर की जो चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हुई थी उस पर भी मलकाजगिरी जोन की पुलिस ने इमीडिएट रिएक्ट करके एक घंटा 25 मिनट के अंदर एक एक्यूज जो सिर्फ 17 साल का था उसको पकड़ा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया। आगे आने वाले दिनों में भी चेन स्ट्रेचिंग करके कोई कितना भी दूर भाग जाए, पहली बात तो तुरंत अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो नाकाबंदी करके उसको वहीं से पकड़ा जाए, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। और अदरवाइज भी चेन स्नैचिंग की जो भी इंसिडेंट आएगी उस पर पुलिस पीछे पड़ के पक्का कहीं वो कहीं कोने में छुपा हो उसको आज नहीं तो कल हम पकड़ के उसको अरेस्ट करेंगे। तो इसमें पब्लिक से हमें कोऑपरेशन की इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब चेन स्नैचिंग की कोई घटना होती है तो जो भी कुछ आपको याद है पहले इमीडिएट इन्फॉर्मेशन डायल 100 पे या हमारे कंट्रोल रूम को या हमारे किसी भी अफसर को दे दें जिससे कि हम सब जगह नाकाबंदी करेंगे। इसी के तहत आपको सबको पता है कि फेक नंबर प्लेट और टेम्पर नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कोई भी राजाकुंडा कमिश्नरेट में नहीं घूमे। इस बात की जो हिदायत है वो ट्रैफिक पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को दे दी गई है। उसके तहत आपने देखा होगा कि हमारे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस जंक्शंस पर नंबर प्लेट के खास तौर से चेकिंग कर रहे हैं। उसका उद्देश्य और मकसद ये है कि कोई भी टेम्पर नंबर प्लेट या फेक नंबर प्लेट की गाड़ी राजाकुंडा में नहीं घूमनी चाहिए, अगर वो घूमेगी उसके ऊपर सख्त करें। राजाकुंडा परिधि में जो भी कोई होगा उस पर इमीडिएट एक्शन लेके उसको कंट्रोल किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और आगे आने वाले दिनों में कोई चेन स्नैचिंग यहाँ आने से डरे, ऐसा डर पैदा करने के लिए हमको एक प्लान ऑफ एक्शन बना के काम करना शुरू किया है। उसी के तहत पहले एक सीरीज ऑफ चेन स्नैचिंग हुआ था, उस पर भी काम चल रहा है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। वो लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं लेकिन उनका हमारी तलाश जारी है और जल्दी ही उनको भी पकड़ा जाएगा। इसी सिलसिले में जब दूसरी